हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। चिल्ड्रन, वी आर रीडिंग चैप्टर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी बुक मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। चिल्ड्रन, दिस इज द पेज नंबर 30। वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट द व्हाट आर द पावर रिसोर्सेज एंड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस टॉपिक, लेट्स रीड अबाउट द फायरवुड। This is the conventional source. So it is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villagers come from firewood. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. The reserve of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. Children, जो फायरवुड है यह बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है कुकिंग में और हीटिंग के लिए। जैसे ठंड है तो लकड़ी जला के आग तापना है, और भी दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर लगभग 50% या उससे ज़्यादा लोग जो हैं इस तरह की एनर्जी का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गांव के लोग होते हैं वो। और लेकिन यह जो है इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और उसके बाद हीट और प्रेशर से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं और ये भी कन्वेंशनल एनर्जी में ही आते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी धरती में बहुत लंबे समय में बनते हैं और लिमिटेड होते हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इनकी जो यूज़ है इनका वो भी बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उतने ये धरती में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं, और इसलिए ये फिर ये महंगे भी होते जाते हैं। नाउ कोल, दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। द कोल विच We are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. The leading coal producer of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. The coal producing area of India are Raniganj, Jharia, Dhanbad and Bokaro in झारखंड। चिल्ड्रन, जो कोल है ये थर्मल पावर में आता है, और थर्मल पावर जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, कोल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जिसे थर्मल पावर बोला जाता है। कोल जो है यह भी एक बहुत ही धरती में पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, और यह डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंजन्स, स्टीम इंजन्स वगैरह बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो कोल है वह लाखों वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में जो फर्न्स हैं और जो दलदल हैं इनके जलने से धरती की अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और वो प्रक्रियाएं लाखों करोड़ों वर्षों में होती हैं, उसके बाद जो है वो कोल का निर्माण होता है, और इसे ही बरिड सनसाइन जो है वह भी इसे बोला जाता है। और यह है ज़्यादातर यूएसए, चाइना, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में पाया जाता है। हमारे भारत में झारखंड में ज़्यादातर कोल पाया जाता है, झारखंड के रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो में हमारे भारत में जो कोल है वो प्रोड्यूस होता है, इन एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। नाउ पेट्रोलियम, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वेकिंग बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड
from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent off refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. Children, जो petroleum होता है यह बहुत ही important product है. आपको मालूम है आपकी car हो चाहे कि आपकी cycle में greasing हो, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? जो black liquid जो दिखाई देता वही petroleum है. Petroleum जो होता है वो जो rocks होती हैं उसकी layer में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा expensive होता है और coastal areas में यह drill करके निकाला जाता है. फिर उसके बाद इसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पर यह चेंज किया जाता है डिफरेंट टाइप की वैरायटीज में. डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, इस तरह से उसे चेंज किया जाता है और यह इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. बहुत ही वैल्यूबल है ये और इसकी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है एंड कातर है. और दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो यूएसए है, रशिया है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है. यदि हमारे भारत की बात करें तो भारत में यह मुंबई में बॉम्बे हाई और आसाम में दिग्बोई में पाया जाता है. इसके साथ साथ कृष्णा और कावेरी के रिवर्स के जो डेल्टाज हैं वहाँ पर भी ये मिलता है. Now, natural gas. Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producer of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna, Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked ripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. Children, natural gas जो है यह भी बहुत ही important energy sources है और यह जो है यह domestic और industrial दोनों ही तरह से use किया जाता है. इसकी जो ज़्यादा पाया जाता है natural gas वो है रशिया, नॉर्वे और UK या और नीदरलैंड, यहाँ पर यह ज़्यादा पाया जाता है. भारत में हमारे देखा जाए तो जैसलमेर, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में, त्रिपुरा और जो मुंबई के जो और किनारे हैं वहाँ पर भी यह नेचुरल गैस जो है वो पाई जाती है. इस जो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं इनका यूज़ जो है बहुत ही कम होता है और ये अब अलार्म कर चुके हैं कि ये धरती से यदि इसी तरह से इनका कंजप्शन होता रहा तो ये समाप्त हो जाएंगे. नाउ हाइडल पावर. Rain water on river water is stored in dams and made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. Children, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो रेन वाटर होता है या रिवर वाटर होता है वो डैम्स में स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद उसे बहुत हाइट से फिर नीचे गिराया जाता है. जो गिरता हुआ जो फॉलिंग वाटर होता है वह पाइप के थ्रू जो होता है वो डैम्स में टर्बाइन ब्लेड्स में भेजा जाता है और वह जो है बॉटम के नीचे धरती में इकट्ठा हो जाता है. ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से इसे टर्बाइन्स के थ्रू जो है वो डैम्स से नीचे भेजा जा रहा है. फिर इसके बाद यह जो है यहाँ से फिर ब्लेड्स के थ्रू जो जनरेटर होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और इसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन.
1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। तो लगभग पूरे विश्व की 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी तरह से यूज़ की जाती है। नाउ इसके बाद हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली, आई एम गिविंग यू ओनली समरी। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर डू यू नो दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और ये आपको पढ़ने ज़रूर हैं। जैसे कि ये है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। ये जो नेचुरल गैस है, ये जो सीएनजी है, यह बहुत पॉपुलर है, ये इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल कहलाता है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा कम पॉल्यूशन करता है। तो इसी तरह से आपके जितना भी ये डू यू नो वाला टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।